हाय माय ब्यूटीज, वेलकम बैक। माय नेम इज मीनाक्षी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एक डेढ़ महीना पहले ही मैंने उस प्रोडक्ट को मंगा तो लिया था ऑनलाइन, पर अभी तक उसको यूज करने का टाइम नहीं हो पाई। फाइनली आज वो दिन आ गया है, तो मैं आज उसका रिव्यू आपको शेयर करूंगी। देखते हो कितना अच्छा वर्क करता है, कितना अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि उसका जो रिव्यू मैं वहाँ पे देखा, बहुत अच्छा रिव्यू देखने को मिला। एंड उनका जो मॉडल है वहाँ पे, जिनका फोटो लगा है उस मेकअप प्रोडक्ट के हेल्प से, वो कितना अच्छा से मेकअप किया है, बहुत सुंदर दिख रहा था। तो मैं भी सोचा, बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, यूट्यूब में भी देखा बहुत लोगों ने ट्राई किया, तो मैं भी क्यों ना ट्राई करूं। तो फाइनली आज उस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करने वाली हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्यूजी का मेकअप प्रोडक्ट, ब्यूजी जो भी लिखा है, मुझे उतना अच्छा से पढ़ना नहीं आती। तो ये मैं मीशो से मंगाया था, ये मुझे पड़ा था 198। फाइनली आज मैं इसको अपने ऊपर ट्राई करने वाली हूँ। तो चलिए इसका शुभारंभ करते हैं। मतलब मैं इससे पहले कभी चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट अपने ऊपर ट्राई नहीं किया, ना मैंने कभी यूज किया, तो ये फर्स्ट टाइम मैं चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट से अपने पूरे फेस को मेकओवर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा प्रोडक्ट आया है इसके अंदर। खुल भी नहीं रहा है मेरे से, ओपन हो जा जल्दी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बाबू। वाओ, फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। इतना मिट्टी ब्लेंडर जो कि पीच कलर के हैं, मुझे बहुत पसंद है पीच कलर, एंड बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, एंड ये सॉफ्ट है। लिमिटेड ब्यूटी एलवी लिमिटेड ब्यूटी मिनरेला मॉइस्चराइजर एसपीएफ 15 फाउंडेशन के आई लैसेस, एंड बहुत बड़ा बड़ा लैसेस है। अच्छा लग रहा है काफी देखने में। एसेंशियल ऑयल एंड ऑयल्स एंड वेल्स, ऐसे पता नहीं ये सच में, मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैक का ओरिजिनल पैकेट है ये। फेस प्राइमर, ओके, एक प्राइमर भी है जो कि मेकअप करने से पहले हमें बहुत जरूरी होता है, एक अच्छा प्राइमर या मॉइस्चराइजर का, एंड ये भी मैक का है। फाउंडेशन पाउडर है ये, एंड का कंसीलर है ये, एंड देन इसमें मेकअप फिक्सर है, मेक स्टिक। लिपस्टिक के बिना मेकअप कभी भी कंप्लीट नहीं होता है मेरा, एंड मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी ना यूज करूँ मेरे पूरे फेस पे, बट लिपस्टिक मैं जरूर यूज करती हूँ। एंड ये बॉक्स अभी खाली है, नॉट बैड, अच्छा से ब्लेंड भी हो जाता है। बट दोनों लिपस्टिक सिमिलर लग रहे हैं मेरे को, एक थोड़ा सा डार्क एंड एक थोड़ा सा लाइट है, दोनों ही सिमिलर यार। जो भी है, मुझे प्रोडक्ट सारे देख के अच्छा लगा, कोई भी एक भी प्रोडक्ट मुझे अभी तक डैमेज नहीं देखा। तो गाइस, चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट से मेकअप शुरू करने से पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा मॉइस्चर कर लूंगी अपने पसंद का मॉइस्चराइजर से, क्योंकि चीपेस्ट प्रोडक्ट से मेरा फेस का क्या रफा दफा होने वाला है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, एंड ना मैंने कभी ट्राई किया, तो मैं पहले थोड़ा सा मॉइस्चर कर लूंगी अपने फेस को, देन मैं चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट से मेकअप स्टार्ट करूंगी। तो अब ये प्राइमर के बारी जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ चीपेस्ट मेकअप प्रोडक्ट, एंड ये प्राइमर देखते हैं कैसा है। वाओ, मैटिफाइंग प्राइमर लिखा है ये, तो मैं ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लूंगी, थोड़ा सा ही लूंगी। ओके, ये प्राइमर से तो मेरे को थोड़ा वेलवेटी फील हुआ है, क्योंकि मेरा स्किन थोड़ा स्मूथ एंड होता है ना एक वेलवेटी लुक अपने फेस का, क्या कहते पता नहीं, मेरे हिसाब से मैं इसको वेलवेटी कह रही हूँ, पर बहुत ही स्मूथ लग रहा है, उतना मतलब अच्छा लगा मुझे ये प्राइमर का भी। एंड उसके बाद मैं ट्राई करूंगी ये फाउंडेशन, पहले इसको मैं थोड़ा सेट कर लूंगी, ये मेरे स्किन टोन से बहुत ज्यादा ब्राइट है। 2000 years later, इसे देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें ना किसी ने हल्दी वल्दी को थोड़ा सा पेस्ट करके इसके अंदर डाल दिया है, बहुत ही कैसा लग रहा है पता नहीं, बहुत अजीब स्मेल भी है इस फाउंडेशन का, पता नहीं ये क्या काम करेगा मेरे फेस पे। एंड हाँ, मैं मेरी नेक एरिया पे नहीं लगा रही फाउंडेशन, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट कैसा वर्क करता है क्या ये ट्राई कर रही हूँ, ना ही मैं इस मेकअप करके कहीं बाहर जा रही हूँ, तो मैं मेरे नेक एरिया पे इसलिए यूज नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के बाद बाहर भी जाना है काम से। बहुत ही चॉकलेटी टाइप के कैसे, मतलब अजीब स्मेल है, लाइक वो होता है ना बबल गम या कुछ, हम बचपन में स्कूल में जाते जाते खाते थे उसको, उसके जैसा स्मेल कर रहा है बिल्कुल, और बबल गम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये जो ब्यूटी ब्लेंडर था, इसको पानी से भिगाने के बाद ये इतना बड़ा हो गया है,
अप्लाई करूंगी ये फाउंडेशन पाउडर। ओके, यूज करने के लिए इसके अंदर एक स्पंज का क्या देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैं कभी यूज नहीं किया इसको, ये पाउडर बहुत ही मतलब अजीब कलर के लग रहा है ये, मतलब इनका फाउंडेशन था मेरे स्किन से ज्यादा ब्राइट एंड ये जो लूज पाउडर है ये है मेरे स्किन टोन से और भी ज्यादा डार्कर, स्किन के लिए लूज पाउडर ठीक है। से ये पाउडर बिल्कुल बैठ नहीं रहा, ये उल्टा फेस पे बैठने चिपक ही नहीं रहा स्किन पे, ये बाहर ज्यादा उड़ रहा है ये। गाइस इसके साथ एक एसेंशियल ऑयल भी है जो मैं यूज करना भूल गई थी, मैं सेटिंग पाउडर से अपने फेस को अभी सेट कर लिया है। गाइस इसमें कोई भी तरीके का मस्करा या पेंसिल या आईब्रोज पेंसिल कुछ भी नहीं दिया है, तो मेकअप मैं तो मेकअप का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो मेरा आईब्रोज से होता है एंड मैं मेरे आईब्रो को फील करे बिना मेकअप स्टार्ट नहीं कर सकती। गाइस कितना बुद्धि होगा ना जिन लोगों ने इसमें मेकअप प्रोडक्ट के कॉम्बो पैक बनाया, उसमें ना कोई आई शेडो है ना कोई आई पेंसिल है ना लाइनर है, तो ये सब के बिना मेकअप कैसे हो सकता है यहाँ। तो अभी मैं आई शेडो के लिए यूज कर रही हूँ वही लिपस्टिक एज ए आई, गाल पे भी ब्लश मुझे भर भर के पसंद है, बहुत मैं पसंद करती हूँ मेकअप में ब्लश। अब मैं इस लिपस्टिक को अपने लिप्स पे भी यूज करूंगी, पर उससे पहले मैं मेरे लिप्स को मॉइस्चर जरूर कर लूंगी क्योंकि ये इतना हार्ड लिपस्टिक की ये हैंड पे तो चल रहा है बट लिप्स वगैरह में बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, कैसा अजीब दिख रहा है, तो मैं पहले थोड़ा मॉइस्चर कर लूंगी अपने। कलर नॉट बैड बट इसका जो स्मेल है ना बहुत ही फेनॉल फेनॉल स्माइल, बिना लाइनर और बिना मस्करा के मेकअप तो मेरा कंप्लीट नहीं होता है, तो मैं यूज करूंगी अपने लाइनर, थोड़ा सा यूज करने का मुझे इजाजत दो क्योंकि मुझे यूज करना है थोड़ा सा लाइनर, बिना लाइनर के मेरा मेकअप अधूरा लगता है मुझे, क्योंकि मेरे लिए तो मेकअप में गेम चेंजर होता है आईब्रोज एंड लिपस्टिक एंड लाइनर, ये तीनों प्रोडक्ट के सिवाय मैं मेकअप कंप्लीट नहीं कर सकती। पर ये जो फाउंडेशन है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद, मतलब बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया ये फाउंडेशन मुझे बिल्कुल केकी लग रहा था, पर ये बहुत आसानी से ब्लेंड हो गया है, पर मैं आई एम डैम श्योर क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है तो ये मेरे फेस पे इतना अच्छा से बैठ गया है, अगर थोड़ा सा गर्मी आ जाए ना अभी अप्रैल के महीना में मैं इस फाउंडेशन यूज करूँ ना तो ये बिल्कुल मेल्ट होकर ऐसा गिरेगा, मेल्ट आइसक्रीम के जैसे ही मेल्ट हो जाएगा। एंड इसको यूज करके आप सब्जी लेने जा सकते हो, पानी पूरी खाने जा सकते हो, पर ऐसा नहीं कि शादी में या कहीं भी लॉन्ग टाइम जहां आपको रहना पड़ेगा ये मेकअप वहां पे सही रहेगा, पर ओवरऑल ये मेकअप जो जिन लोगों ने बोल रहे हैं ना बहुत अच्छा है, मेरा तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, वो उनका सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, पर मेरे हिसाब से ये मेकअप प्रोडक्ट इसमें जो एक चीज अच्छा निकला है जो प्राइमर, मुझे प्राइमर काफी पसंद आया है एंड इनका पाउडर भी बिल्कुल, मेरे को तो खांसी आने लग गया था, मतलब पाउडर स्किन पे बैठ नहीं रहा था, पाउडर ऐसा लग रहा है कि किसी ने चावल को ग्राइंड करके उसका जो स्टेन करके फिर उसके जो क्या बोलता है इसको बारीकी जो पाउडर है उसको रख दिया है वहां पे। कोई बात नहीं, जो भी है आप लोगों के सामने ही मैं ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया हूँ, अब मैं लाइनर लगा के आप लोगों के सामने फाइनल लुक के साथ आती हूँ। तो
तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। मुझे उतना मॉडलिंग शॉडलिंग करना नहीं आती है, तो जितना आती है उतना मैंने करने का कोशिश किया। तो ये रहा फाइनल लुक इस कौन सा मेकअप प्रोडक्ट, मैं ब्यूजी मेकअप प्रोडक्ट के हेल्प से जो मैंने मेकअप किया है। जबकि प्रोडक्ट के ऊपर, सारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है कि मैक, वो तो सारे नकली मैक स्टैम्प लगे हैं उसमें। पर ये जो मेकअप लुक, आप मुझे बताना आपको कैसा लगा ये मेकअप एंड इस प्रोडक्ट के हेल्प से। प्रोडक्ट के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया, आप अगर यूज करेंगे तो आपको और भी अच्छा से पता चल जाएगा। शायद आपको ये कैमरा में बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर रियल में ये उतना मुझे पसंद नहीं आया एंड उतना अच्छा नहीं है। इसको यूज करके बाहर जा ही नहीं सकते। अब बारी आती है मेकअप फिक्सर की। तो मेकअप फिक्स करने का टाइम है, आप हमारा मेकअप हो गया, इसको लॉन्ग लास्टिंग करना भी बहुत जरूरी है। डब्बा के बाहर से बहुत ज्यादा स्मेल कर रहे, पर वाओ, ये प्योर रोज वाटर है, बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है इसके। तो इसको मैं अब अपने फेस पे यूज करूंगी। गाइस, ये सिंपल रोज वाटर है, ये कोई मेकअप फिक्सर नहीं है, जिससे मेरा मेकअप और भी मेल्ट होने लगा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इससे जो मैंने ऊपर फाउंडेशन कम्पैक्ट पाउडर लगाई थी, वो देख सकते हैं कैसे मेल्ट हो रहा है। ये सिंपल रोज वाटर है, कोई मेकअप फिक्सर नहीं है। सो या, ये था आज का वीडियो। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट में जरूर ये बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस प्रोडक्ट के ऊपर देखना चाहते हो। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको रिव्यू शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार। Love you. Bye-bye.